भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। ये है कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मन्हास और रस्सी में बंधे दिख रहे कोबरा कमांडो को रिहा करती दिख रही है नक्सलियों की टीम। पहले सुनिए नक्सलियों के चंगुल से रिहाई के बाद कमांडो ने क्या कहा, उसके बाद पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। बहुत बढ़िया से रखा, जनता ने सरकार के सामने हमें अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और आप उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्य रास्ते भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं, बाकी सबका धन्यवाद। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद अगवा किए गए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मन्हास को नक्सलियों ने गुरुवार यानी 8 अप्रैल को रिहा कर दिया। नक्सलियों ने इस मौके का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में सशस्त्र नक्सली कमांडो को मुक्त करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मन्हास के हाथों में बंधी रस्सियों को खोला जा रहा है। जैसे ही जम्मू में जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की खबर परिवार को हुई, उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी पत्नी मीनू ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है, उन्हें हमेशा से उम्मीद थी कि उनके पति वापस लौटेंगे। मेरी फोन में यही बातचीत हुई है कि मैं ठीक हूँ, मैं घर में सब ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, कहते इतना शोर क्यों आ रहा है, मैंने कहा मीडिया आई है। तो फिर मैंने हेल्थ के लिए पूछा, हेल्थ बोलते ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा सा हाई है, बस बाकी सब ठीक है। खुश हो गए हम अचानक से ये खबर सुन के, दिल में बहुत सुकून मिला कि शुक्र है ये दिन टाइम आया और ये खबर सुनी कि हाँ ये। फोन पर आपकी बातचीत हुई तो उस समय मन को सुकून कितना मिला? बहुत सुकून मिला, मन को तसल्ली हो गई। तसल्ली हो गई कि वो सुरक्षित है। हाँ तसल्ली हो गई मन को कि वो सुरक्षित है, ठीक है। पत्नी के साथ साथ राकेश्वर सिंह की मां भी बेटे के आने की खुशी जताने लगी। पूरा मोहल्ला राकेश्वर सिंह को देखने जुट गया। राकेश्वर सिंह की मां कहती हैं उनके बेटे को वापस लाने में मोदी सरकार की कोशिशों का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उनके बेटे को सुरक्षित घर लाने में बहुत मदद की है। बहुत ज़्यादा आज खुशी हो रही है, आज मेरा बेटा वापस आ गया उधर से। अब थैंक यू मीडिया वालों का और बहुत ज़्यादा शुक्रिया है भगवान का ज़्यादा, जिन्होंने मेरे बेटे को वापस लाया। और ज़्यादा शुक्रिया सरकार का, मोदी सरकार का, जिन्होंने बहुत हमारी मदद की है। पर बस बात करते करते उनका टीवी में आ गया, बता दिया, उन्हें लिख दिया कि हमने छोड़ दिया उनको। राकेश्वर सिंह की नक्सलियों से रिहाई के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बयान में कहा कि मन्हास को सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री धर्मपाल सैनी, माता रुक्मणी आश्रम जगदलपुर और एक दूसरे व्यक्ति तेलम बोरैया और आदिवासी समाज बीजापुर के सीनियर अधिकारियों के प्रयासों से मुक्त कराया जा सका। बयान में कहा गया कि कमांडो को मुक्त कराने में गणेश मिश्रा और मुकेश चंद्राकर जैसे स्थानीय पत्रकारों ने भी अहम भूमिका निभाई। जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थता कराने गई 2 सदस्यीय टीम ने बस्तर के 7 पत्रकारों को भी नक्सलियों के कब्जे से छुड़ा लिया। नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने बस्तर की बीहड़ में वार्ता दल समेत कुल 11 सदस्यीय टीम पहुंची थी। बता दें कि 3 अप्रैल को टेकलगुड़ा जूनागुड़ा गांव के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे जबकि 30 से ज़्यादा घायल हुए।